अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। मैंने 3 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं और मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसके लिए मसाला तैयार करूंगी। मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया है और अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। पेस्ट को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करूंगी, फिर इसमें ये चंद मसाले ऐड करूंगी, जिसमें धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, साबुत ज़ीरा है, काली मिर्च पाउडर है, हल्दी है और थोड़ा सा नमक है। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद मैंने मैश किया हुआ आलू डाला और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया और 1/2 टीस्पून अजवाइन शामिल कर दिया है। आलू का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हरा धनिया डाल के साइड पे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और पराठों के लिए आटा गूंदूँगी। यहाँ मैंने 2 कप फाइन आटा लिया है और 1 कप ब्राउन आटा लिया है और थोड़ी सी अजवाइन और कलवंजी भी डाली है और हसबी ज़रूरत नमक डाला है। अब इसमें पानी डाल के मशीन में गूंदने के लिए रख दूँगी। और यह आटा हमारा अच्छे से गुन गया है और अब इसके ऊपर ऑयल डाल के 10 मिनट सेट होने के लिए रख दूँगी। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बनाऊँगी। पेड़ों के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है। पहले मैं इसके छोटी छोटी रोटियां बनाऊंगी मोटी सी। यह मैं आप लोगों को 2 तरीक़े सिखाऊंगी इसकी फिलिंग की। एक तरीक़ा ये है, आप इसके अंदर आलू का मिक्सचर रखें और इसकी एक पोटली सी बनाएं इस तरीके से। ये मैंने एक पोटली बना दी है। और दूसरा तरीक़ा ये है, आप एक रोटी लें, इसके अंदर आलू का मिक्सचर रखें और फिर इसके ऊपर दूसरी रोटी रखें और साइडों को आराम आराम से प्रेस करें। अब आप इसको हाथों से भी फैला सकते हैं इस तरीके से और बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं। यहाँ मैंने आलू के ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाला है और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली है। और अगर आप लोगों को चीज़ पराठा पसंद है तो इस तरीके से बनाइए। तो अब पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तवे को गरम किया, फिर इसके ऊपर रोटी डाली और अब ये पराठा बन गया है। इस तरीके से मैं ये चारों पराठे बनाऊंगी। अगर मैं चारों पराठों की वीडियो बनाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने एक ही पराठे की वीडियो बनाई है। अब आप चाहे तो अचार के साथ भी खा सकते हैं, इमली की चटनी के साथ भी, दही के साथ भी और केचप के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।